मॉर्निंग। तो अभी बजे 8:30, तो आज हमारी केड़ापुर की राइड है और वो ये पांडरकावड़े से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और अभी हमें गुरुद्वारा भी जाना है और ये कैलाश भाई अभी सो के उठे हैं, तो हम निकल चुके हैं राइड पे अभी। तो हमें कम से कम 2 या 3 घंटे लगेंगे, तो यहाँ से 40-45 किलोमीटर होगा, यहाँ से 50 किलोमीटर की राइड है टोटल। तो चलो मिलते हैं सीधा आपको रोड पे। अभी एटीएम में भी पैसा नहीं है भाई, कैसा करेंगे अभी देखते क्या एटीएम में है कि नहीं। तो इस एटीएम में पैसे नहीं है और ये सस्ता है। अनरकड़ा बाद में केड़ा पुर अरे ये तो बहुत बड़ा कांड होगा ये तो। अरे बाप रे, मस्त ठंडा महसूस हो रहा है ये तो। मैं हाईवे से भी जा सकता था, लेकिन यहाँ से ये शॉर्टकट रास्ता है और थोड़ा ठंडा लगता है। तो हाईवे से गए तो बहुत आदमी गर्म होता है, यानी कि ट्रक मक चलते रहते तो बहुत हीट भी मारती है और पेड़ कम रहते हैं। और ये शॉर्टकट रास्ता कैसा है, ये थोड़ा जंगल से निकला हुआ रास्ता है, तो मैंने शॉर्टकट से आया। और वो छाव में भी झाड़ की छाव भी मिलती है, तो इसलिए मैं इधर से आया। थोड़ी प्रॉब्लम है, साइकिल भी पंचर हो गई अपनी, तो अभी साइकिल को पंचर भी निकालते, पहले चलते हैं एटीएम पे, एटीएम से पैसा निकालें बाद में पंचर निकालते हैं। पंचर डाला मोटा मोटी पैसे थी होने गई सब। यूट्यूब से चैनल है हम सब। ये पांडरकावड़ा पुलिस स्टेशन सामने पंचर निकाल रहा है, अभी हम पंचर निकाल केड़ापुर के लिए निकल रहे हैं। और ये सीधा जाता है नागपुर, और अभी लेफ्ट लेंगे तो सीधा ये जाएगा अभी हैदराबाद केड़ापुर। तो हमें जाना है केड़ापुर और वहाँ पे विलेज बॉय नीलेश है, मिल गए थे ये देखो। देखो ठीक वे हैदराबाद पांडरकावड़ा। पुलका कटाड़ा वरना चलो। फाइनल हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए केड़ापुर। अब जाएंगे हम देवी माँ के दर्शन करेंगे। यहाँ से लेना पड़ेगा अभी राइट और सीधा हम मंदिर पे जाएंगे। तो आज मंदिर बंद है बोलते, तो क्या पता हमारा दर्शन होता है या नहीं है, तो देखते हैं आगे क्या कर। तो रास्ता बंद किया है, चलो सामने से जाएंगे। सामने से तो रास्ता है, वहाँ से इधर ही रास्ता था, किधर गया। लोगों ने गाड़ी रखी है तो कुछ दिख नहीं रहा। तो चलो मिल गया रास्ता मिल गया। अभी हम साइकिल को रखने के लिए पहले अपनी पार्किंग की जगह ढूंढेंगे, बाद में दर्शन के लिए निकल जाएंगे। इसे दर्शन करना पड़ रहा है अभी। ओ उन्होंने बैरिकेड लगाए हुए है, ये देखो कटाड़े लगे हुए है,
तो यहाँ से ही दर्शन करके चला जाना पड़ेगा। और मंदिर बंद है तो अंदर कोई नहीं जा सकता। ये देखो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये बहुत पुराना मंदिर है। अरे यार, अगर दर्शन होता तो आदमी को अच्छा लगता। नवरात्र के टाइम भी यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि पूछो मत। और यहाँ पे जो है जतरा भी भरती है, तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। तो यहाँ से सीधा माउंट जाते हैं। ये देखो सोचा था दर्शन होगा अपना, लेकिन यार हमारा मिट्टू गिर गया। तो कुछ नहीं, आपको कुछ नज़ारे दिखाते हैं यहाँ के। और ओ देखो, ये रात का समय तो हम थोड़ा ऊपर आ गए थे रोड से, तो ये रोड से देखो नज़ारा थोड़ा अलग ही आ रहा है। हम कर रहे हैं लेकिन कैमरा थोड़ा हिल रहा है, तो स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। ये देखो रात का नज़ारा, लाइटिंग माइटिंग लगी हुई है, लेकिन जतरा अगर होती तो इससे भी और भी मस्त नज़ारा आता। बैरिकेड लगी हुई है तो आप गाड़ी माड़ी नहीं जा सकते अंदर। हम यहाँ पे काफ़ी देर रुक गए थे और हमारी साइकिल भी जो है वो एक हेडलाइट ख़राब हो गई है। तो अगर यवतमाल जाता हूँ तो वही तो तब तक अच्छे नज़र। और सब लोग यार मेरे साइकिल के पीछे बहुत पड़े रहते हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ जमे। देखो सब बच्चे लोग आ गए साइकिल देखने के लिए, कुछ सब्सक्राइबर भी है और तो सब लोग प्यार देते रहते हैं। ऐसे चार यार करूँ इधर आगे है केड़ापुर, ये यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। तो यहाँ से तेलंगाना बाउंड्री कम से कम 20-25 किलोमीटर होंगी, वहाँ से आंध्रा भी चालू हो जाता है यहीं से। तो यहाँ पे सब लोग आते हैं दर्शन के लिए। ऐसा एक गार्डन भी है, लेकिन अभी कैसा COVID-19 की वजह से सब बंद है ना, तो गार्डन में भी बहुत मज़ा आता है। काफ़ी कुछ देखने लायक है इधर। COVID-19 की वजह से यहीं से दर्शन करो और यहीं से वापस चले जाओ, बस अभी अपना रास्ता यहीं तक रहेगा। पता नहीं लॉकडाउन यहाँ पे लॉकडाउन कब खुलेगा। तो यार जगदम्बा माता का मंदिर है ये, काफ़ी फेमस है ये पहले से ही। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते रहते हैं दर्शन के लिए, बाहर से भी बहुत कुछ लोग आते हैं। और ये खूब बहुत पुराना मंदिर है ये। अब हो गया टाइम तो हम निकल चुके हैं, अब जाएंगे मारेगांव कैलाश भाई के घर में थोड़ा। और अब करण जी पहुँच गए, थोड़ा वहाँ पे टेस्ट करेंगे ये करण जी का टोलना का है। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद में निकलते यहाँ से। चल रहा काका। ये आनंदी रेस्टोरेंट एंड ढाबा है, ये करण जी और मारेगांव के बीच में आता है, जो बोटनी के पास में ही है। तो करण जी से पहले ही लगता है, तो मैं अभी चाय में पीऊँगा यहाँ पे। चाय बहुत बढ़िया है, खतरनाक है चाय। एक बार आनंदी ढाबे पे आप चाय ज़रूर पीजिए, चाय काफ़ी ऐसी टेस्टी थी और मुझे तो बहुत पसंद आई। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए, यहाँ पे खाना वाना सब मिलता है। तो ये सर ने मुझे चाय तो मुफ्त में दी, पैसे लिए नहीं मेरे से, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया, काफ़ी अच्छा इन्होंने प्यार भी दिया, तो उसके लिए मैं थैंक्स।
हमारे गांव में पहुंच गए हम और ये ससुरा में जो ऋषि के न्यारे साइकिल राइडिंग थी हमारी केड़ापुर की, कल दर्शन करने गए थे। तो आपको केड़ापुर का ब्लॉग कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम भी हो गई थी, हमारी साइकिल भी ख़राब हो गई थी तो थोड़ा टाइम लगा। तो होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और चलो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर, बाय। महाराष्ट्र जीवन।